हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे महात्मा गांधी का स्वैच्छिक दर्शन, यानी उनका स्वैच्छिक दर्शन कैसा था। तो जब हम महात्मा गांधी जी के स्वैच्छिक दर्शन की बात करते हैं, तो हमने पहले भी उनके स्वैच्छिक दर्शन के बारे में थोड़ी नजर डाली थी, तो क्या देखा था कि उन्होंने मानव धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म माना, मानवता पर विशेष बल दिया है और इसके साथ ही सत्य, अहिंसा और प्रेम की बात करते थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य में निहित शक्तियों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास सर्वोत्तम रूप से हो, ऐसा उनका कहना था। यानी शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का साधन है। ठीक, गांधी जी ने क्या कहा कि साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और ना ही उसका प्रारंभ ही माना जा सकता है। ठीक है, क्या कहा कि यह तो एक साधन मात्र है जिससे क्या होता है, लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं होती, ऐसा उनका मानना था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का साधन है। गांधी जी का जो जीवन दर्शन था, वह सत्य, अहिंसा तथा न्याय को प्रमुख स्थान देते थे अपने दर्शन में और अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी इसी तरह का विकास चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को मूल्यों को अनुभव में ही खोजना चाहिए। ठीक है, क्या कहा कि जो शिक्षा है उसको कैसे अनुभव में खोजना चाहिए। शिक्षा के लिए कोई भी योजना तैयार की जाए तो उसमें क्या हो, बच्चों में व्यवहार कुशलता का विकास होना चाहिए, ये ध्यान रख करके शिक्षा की योजना तैयार की जानी चाहिए। व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि बालक को हस्तकला का अनुभव, प्रयोग तथा सेवा का आधार लेना चाहिए। इसके साथ ही गांधी जी ने कहा कि जो शिक्षा चित्त को शुद्ध ना करे, जीवन निर्वाह का साधन ना बने तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और शक्ति ना प्रदान करे, उस शिक्षा द्वारा चाहे जितनी भी जानकारी मिले, ठीक है, चाहे जितना भी तर्क शक्ति प्राप्त हो और भाषा पांडित्य प्राप्त हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो क्या कहा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बालक के चित्त को शुद्ध करे, इसके साथ उसको जीवन निर्वाह में के लिए तैयार करे, स्वतंत्र रहने की शक्ति प्रदान करे, उसके अंदर संघर्षों की लड़ने की शक्ति प्रदान करे, वही क्या है, सच्चे अर्थों में शिक्षा वही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो गांधी जी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए, पहला उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास, यानी बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास करने की बात उन्होंने कही। शिक्षा के द्वारा बालक के आत्मा तथा मन का पूर्ण विकास कर सके, सर्वोत्कृष्ट गुणों का विकास किया जाना चाहिए, वही क्या है, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी बालक की आत्मा, उसके मन का पूर्ण विकास करना है, जो शक्तियों को लेके पैदा हुआ है उनको विकसित करना है, जो उसके अंदर सर्वोत्कृष्ट गुण है उनका क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने 3H, हैंड, हार्ट एंड हेड, हेड हैंड और हैंड का दिया सिद्धांत। ठीक है, हेड मस्तिष्क, हार्ट हृदय, हैंड हाथ। तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा में 3H का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा क्या करेंगे, बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक विकास होना चाहिए। तो जब हेड के द्वारा उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उसके साथ क्या होगा, उसका ज्ञानात्मक विकास होगा, फिर हार्ट के द्वारा उसका भावात्मक विकास होगा,
और हैंड के द्वारा वह क्रिया करके क्रियात्मक पक्ष का उसके विकास किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। इसके साथ ही गांधी जी ने 3 R का सिद्धांत भी दिया, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमैटिक। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अर्थमैटिक गणित। तो यहाँ पे जो R है, ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की शिक्षा में 3 R का कहाँ उपयोग है। तो जो 3 R है यहाँ पे, R ये है, यहाँ पे राइटिंग में ये R है और अर्थमैटिक में ये R है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि पढ़ना लिखना और गणित के स्थान पे किसको विशेष महत्व दिया उन्होंने, हैंड, हार्ट, हेड है और हेड को, ठीक है, इनको विशेष महत्व दिया। क्या कि इन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा के द्वारा क्या करना है, बालक को आप व्यवसाय में प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसके विशेष जो गुण है उसको सौंदर्य को निखार सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, बालक को व्यवहार कुशल बनाना है, मानवता पूर्ण तथा बुद्धिमान बनाने का उद्देश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही कुशल नागरिक तैयार हो, बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास हो सके और बालक की भावनाओं तथा उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों को भी क्या किया जा सके, निखारा जा सके, यानी परिष्कृत किया जा सके, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे बालक भी क्या हो, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि के गुणों का विकास हो। इसके साथ ही ये क्या कहते थे कि चित्रकला, संगीत और हस्तकला के माध्यम से इन गुणों को विकसित किया जा सकता है। फिर गांधी जी ने क्या कहा कि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हृदय और मस्तिष्क जो है वो क्या होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षित होंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने सर्वांगीण विकास की शिक्षा यानी शारीरिक विकास का और मानसिक विकास का ध्यान रखते हुए आदर्शवादी प्रकृतिवाद का समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की। तो गांधी जी ने आध्यात्मिक विकास का भी उद्देश्य शिक्षा के उसमें माना, क्योंकि शिक्षा का आधार क्या है, भारतीय दर्शन, संस्कृति और जीवन है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन ऋषियों ने भी हमारे क्या माना था, शाविद्या या विमुक्तय, यानी शिक्षा क्या है, विद्या किसके लिए होनी चाहिए, विद्या मुक्ति के लिए होनी चाहिए। तो शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या हुआ, ईश्वर ज्ञान या आत्मानुभूति, ठीक है। और वो कैसे प्राप्त होगी, जब शिक्षा के द्वारा हम क्या करेंगे, आध्यात्मिक विकास करेंगे। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा किसके लिए है, जीवन विकास के लिए आवश्यक मानी। उन्होंने कहा कि गीता के निष्काम कर्म तथा कर्तव्य से प्रभावित होकर के व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ गांधी जी नरसिंह मेहता की जो काव्य पंक्तियां हैं, आपने सुना होगा अक्सर जब गांधी जी घाट तो आप देखते हैं उसमें ये पंक्तियां चलती है, वैष्णव जन तो तेन कहिए, जे पीड़ पर आई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मान अभिमान ना आए, ठीक है। क्या कहा कि जो मनुष्य की सेवा भी क्या है, ईश्वर का साक्षात्कार है। इसलिए आध्यात्मिक विकास के द्वारा क्या करना है, मनुष्य के अंदर जन सेवा की भावना का विकास करना है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य सेवा से ही क्या होगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने कहा चरित्र निर्माण करने का शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी बालक के चरित्र का निर्माण करना। अगर शिक्षा बालक के चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है तो वह क्या है, वह शिक्षा उन्होंने कहा कि व्यर्थ है। इसलिए साक्षरता से भी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है चरित्र का निर्माण। तो चरित्र निर्माण पर उन्होंने विशेष बल दिया।
कहा कि व्यक्ति का यदि चरित्र सुधारने में हम सफल हो जाते हैं तो समाज अपने आप सुधर जाता है। ऐसे विकसित समाज व्यक्तियों से क्या होगा, समाज सुसंगठित बनेगा। यहाँ पे जब वह चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, आदर्शवादी हो जाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान देते समय गांधी जी आदर्शवादी शिक्षा दर्शन उनके अंदर छलकता है। नेक्स्ट बात की उन्होंने क्रिया द्वारा शिक्षा यानी करके सीखने पर बल दिया। गांधी जी का कहना था कि सच्ची बौद्धिक शिक्षा शरीर के विभिन्न अवयवों यानी हाथ पैर आंख नाक आदि के उपयोग के द्वारा दी जानी चाहिए। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करके क्रिया द्वारा उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। कहते हैं कि बच्चों को केवल मस्तिष्क में ज्ञान ठूसना नहीं चाहिए, मतलब उनको केवल ज्ञान भर ही नहीं देना है, जो किताबी ज्ञान है उसको उनको क्या करना है, उसको बालकों को केवल उनके मस्तिष्क में ठूसना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनको तैयार करना है शिक्षा के लिए, ताकि उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, ऐसी शिक्षा देना है। तो उन्होंने गांधी जी ने क्या किया, पुस्तकीय ज्ञान का भी विरोध किया। स्वयं के प्रति प्रतिष्ठा के भाव पैदा करने की बात की है, ताकि बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आत्मबल का विकास हो, शिक्षा ऐसी हो जिससे क्या हो, बालक के अंदर आत्मबल का विकास हो, बालक स्वयं निर्णय लेने की शक्ति उसके अंदर आ सके। व्यवसाय एवं आर्थिक विकास का भी इन्होंने उद्देश्य रखा कि जब बालक को शिक्षा हम क्रिया द्वारा देंगे, हस्तकला आदि को शिक्षा में सम्मिलित करेंगे, तो क्या होगा, बालक को व्यवसाय मिल सकेगा, वह अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा। ऐसी शिक्षा हो जाएगी जो बालक के लिए उपयोगी होगी, उसके जीवन में उपयोगी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जब उनके दर्शन में जो उनका शिक्षा दर्शन है उसमें सभी दर्शनों को देखने को मिल जाते हैं, सभी दर्शनों का सम्मिश्रण है। आदर्शवादी शिक्षा भी देखने को मिलती है, क्योंकि वह किसकी बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। इसके साथ अनुभव व स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनका दर्शन कैसा हो जाता है, प्रकृतिवादी हो जाता है। और जब व्यवसाय व आर्थिक विकास की दृष्टि से बात करते हैं तो वहाँ पर प्रयोजनवादी दर्शन भी मिलता है। तो इस प्रकार हमने महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन, यानी उनका शैक्षिक दर्शन कैसा था। तो जब हम महात्मा गांधी जी के शैक्षिक दर्शन की बात करते हैं तो हमने पहले भी उनके शिक्षा दर्शन के बारे में थोड़ी नजर डाली थी, तो क्या देखा था कि उन्होंने मानव धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म माना, मानवता पर विशेष बल दिया है, और इसके साथ ही सत्य अहिंसा और प्रेम की बात करते थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य में निहित शक्तियों का शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास सर्वोत्तम रूप से हो, ऐसा उनका कहना था। यानी शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का साधन है। ठीक, गांधी जी ने क्या कहा कि साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और ना ही उसका प्रारंभ ही माना जा सकता है। ठीक है, यह कहा कि यह तो एक साधन मात्र है जिससे क्या होता है, लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं होती, ऐसा उनका मानना था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का साधन है। गांधी जी का जो जीवन दर्शन था वह सत्य अहिंसा तथा न्याय को प्रमुख स्थान देते थे अपने दर्शन में, और अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी इसी तरह
का विकास चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को मूल्यों को अनुभव में ही खोजना चाहिए। ठीक है, क्या कहा कि जो शिक्षा है उसको कैसे अनुभव में खोजना चाहिए। शिक्षा के लिए कोई भी योजना तैयार की जाए तो उसमें क्या हो, बच्चों में व्यवहार कुशलता का विकास होना चाहिए, ये ध्यान रख करके शिक्षा की योजना तैयार की जानी चाहिए। व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि बालक को हस्तकला का अनुभव, प्रयोग तथा सेवा का आधार लेना चाहिए। इसके साथ ही गांधी जी ने कहा कि जो शिक्षा चित्त को शुद्ध ना करे, जीवन निर्वाह का साधन ना बने तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और शक्ति ना प्रदान करे, उस शिक्षा द्वारा चाहे जितनी भी जानकारी मिले, ठीक है, चाहे जितना भी तर्क शक्ति प्राप्त हो और भाषा पांडित्य प्राप्त हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो क्या कहा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बालक के चित्त को शुद्ध करे, इसके साथ उसको जीवन निर्वाह में के लिए तैयार करे, स्वतंत्र रहने की शक्ति प्रदान करे, उसके अंदर संघर्षों की लड़ने की शक्ति प्रदान करे, वही क्या है, सच्चे अर्थों में शिक्षा वही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो गांधी जी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए, पहला उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास, यानी बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास करने की बात उन्होंने कही। शिक्षा के द्वारा बालक के आत्मा तथा मन का पूर्ण विकास कर सके, सर्वोत्कृष्ट गुणों का विकास किया जाना चाहिए, वही क्या है, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी बालक की आत्मा, उसके मन का पूर्ण विकास करना है, जो शक्तियों को लेके पैदा हुआ है उनको विकसित करना है, जो उसके अंदर सर्वोत्कृष्ट गुणों हैं उनका क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने 3H, हैंड हार्ट एंड हेड, हेड हैंड और हैंड का दिया सिद्धांत। ठीक है, हेड मस्तिष्क, हार्ट हृदय, हैंड हाथ। तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा में 3H का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा क्या करेंगे, बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक विकास होना चाहिए। तो जब हेड के द्वारा उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उसके साथ क्या होगा, उसका ज्ञानात्मक विकास होगा, फिर हार्ट के द्वारा उसका भावात्मक विकास होगा, और हैंड के द्वारा वह क्रिया करके क्रियात्मक पक्ष का उसके विकास किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। इसके साथ ही गांधी जी ने 3R का सिद्धांत भी दिया, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमैटिक। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अर्थमैटिक गणित। तो यहाँ पे जो R है, ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की शिक्षा में 3R का कहाँ उपयोग है, तो जो 3R है यहाँ पे R ये है, यहाँ पे राइटिंग में ये R है और अर्थमैटिक में ये R है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि पढ़ना लिखना और गणित के स्थान पे किसको विशेष महत्व दिया उन्होंने, हैंड हार्ट हेड है और हेड को। ठीक है, इनको विशेष महत्व दिया, क्या कि इन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा के द्वारा क्या करना है, बालक को आप व्यवसाय में प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसके विशेष जो गुण है उसको, सौंदर्य को निखार सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, बालक को व्यवहार कुशल बनाना है, मानवता पूर्ण तथा बुद्धिमान बनाने का उद्देश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही कुशल नागरिक तैयार हो, बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास हो सके, और बालक की भावनाओं तथा उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों को भी क्या किया जा सके, निखारा जा सके, यानी परिष्कृत किया जा सके, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
जिससे बालक भी क्या हो, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि के गुणों का विकास हो। इसके साथ ही ये क्या कहते थे कि चित्रकला, संगीत और हस्तकला के माध्यम से इन गुणों को विकसित किया जा सकता है। फिर गांधी जी ने क्या कहा कि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हृदय और मस्तिष्क जो है वो क्या होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षित होंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने सर्वांगीण विकास की शिक्षा यानी शारीरिक विकास का और मानसिक विकास का ध्यान रखते हुए आदर्शवादी विचार प्रकृतिवाद का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की। तो गांधी जी ने आध्यात्मिक विकास का भी उद्देश्य शिक्षा के उसमें माना, क्योंकि शिक्षा का आधार क्या है, भारतीय दर्शन, संस्कृति और जीवन है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन ऋषियों ने भी हमारे क्या माना था, शाविद्या या विमुक्ते, यानी शिक्षा क्या है, विद्या किसके लिए होनी चाहिए, विद्या मुक्ति के लिए होनी चाहिए। तो शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या हुआ, ईश्वर ज्ञान या आत्मानुभूति। ठीक है, और वो कैसे प्राप्त होगी, जब शिक्षा के द्वारा हम क्या करेंगे, आध्यात्मिक विकास करेंगे। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा किसके लिए है, जीवन विकास के लिए आवश्यक मानी। उन्होंने कहा कि गीता के निष्काम कर्म तथा कर्तव्य से प्रभावित होकर के व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ गांधी जी नरसिंह मेहता की जो काफी पंक्तियां हैं आपने सुना होगा अक्सर, जब गांधी जी तो आप देखते हैं उसमें यह पंक्तियां चलती है, वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मान अभिमान ना आए। ठीक है, क्या कहा कि जो मनुष्य की सेवा भी क्या है, ईश्वर का साक्षात्कार है। इसलिए आध्यात्मिक विकास के द्वारा क्या करना है, मनुष्य के अंदर जन सेवा की भावना का विकास करना है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य सेवा से ही क्या होगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने कहा चरित्र निर्माण करने का शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी बालक के चरित्र का निर्माण करना। अगर शिक्षा बालक के चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है तो वह क्या है, वह शिक्षा उन्होंने कहा कि व्यर्थ है। इसलिए साक्षरता से भी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है चरित्र का निर्माण। तो चरित्र निर्माण पर उन्होंने विशेष बल दिया, कहा कि व्यक्ति का यदि चरित्र सुधारने में हम सफल हो जाते हैं तो समाज अपने आप सुधर जाता है। ऐसे विकसित समाज व्यक्तियों से क्या होगा, समाज सुसंगठित बनेगा। यहाँ पे जब वह चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, आदर्शवादी हो जाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान देते समय गांधी जी आदर्शवादी शिक्षा दर्शन उनके अंदर छलकता है। नेक्स्ट बात की उन्होंने क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी करके सीखने पर बल दिया। गांधी जी का कहना था कि सच्ची बौद्धिक शिक्षा शरीर के विभिन्न अवयवों यानी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि के उपयोग के द्वारा दी जानी चाहिए। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करके क्रिया द्वारा उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। कहते हैं कि बच्चों को केवल मस्तिष्क में ज्ञान ठूसना नहीं चाहिए, मतलब उनको केवल ज्ञान भर ही नहीं देना है, जो किताबी ज्ञान है उसको हमको क्या करना है, उसको बालकों को केवल उनके मस्तिष्क में ठूसना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनको तैयार करना है शिक्षा के लिए, ताकि उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, ऐसी शिक्षा देना है। तो उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, पुस्तकीय ज्ञान का भी विरोध किया। स्वयं के प्रति प्रतिष्ठा के भाव पैदा करने की बात की है, ताकि बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आत्मबल का विकास हो, शिक्षा ऐसी हो जिससे क्या हो, बालक के अंदर आत्मबल का विकास हो।
बालक स्वयं निर्णय लेने की शक्ति उसके अंदर आ सके। व्यवसाय एवं आर्थिक विकास का भी इन्होंने उद्देश्य रखा कि जब बालक को शिक्षा हम क्रिया द्वारा देंगे, हस्तकला आदि को शिक्षा में सम्मिलित करेंगे, तो क्या होगा, बालक को व्यवसाय मिल सकेगा, वह अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा। ऐसी शिक्षा हो जाएगी जो बालक के लिए उपयोगी होगी, उसके जीवन में उपयोगी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जब उनके दर्शन में जो उनका शिक्षा दर्शन है उसमें सभी दर्शनों को देखने को मिल जाते हैं, सभी दर्शनों का सम्मिश्रण है। आदर्शवादी शिक्षा भी देखने को मिलती है क्योंकि वह किसकी बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। इसके साथ अनुभव व स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका दर्शन कैसा हो जाता है, प्रकृतिवादी हो जाता है। और जब व्यवसाय व आर्थिक विकास की दृष्टि से बात करते हैं तो वहाँ पर प्रयोजनवादी दर्शन भी मिलता है। तो इस प्रकार हमने महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा के बारे में।